तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ फैन कोड एमिरेट्स D10 लीग का नोवा मैच, जो कि खेला जाएगा एमिरेट्स ब्लू वर्सेस शारजा के बीच में। तो भाई इन दोनों टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेना भाई, क्योंकि अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करते हो तो आपका लॉस हो सकता है। लेकिन भाई अगर आप वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे, साथ ही आप काफी ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से इस मैच में कमा सकते हो, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना। तो चलिए बात करते हैं डेट एंड टाइमिंग की। तो सबसे पहले भाई डेट एंड टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 दिसंबर यानी कि आज ये मैच खेला जाएगा, रात को 8:30 पर ये मैच खेला जाना है, यानी कि भाई अब से लगभग लगभग 2 घंटे बाद ये मैच खेला जाएगा। तो आपके पास टाइम बहुत कम है तो भाई वीडियो कंप्लीट देख लेना। साथ ही साथ भाई वीडियो देखने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो हमारी फाइनल टीम है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देने वाला हूँ। क्योंकि देखो लाइनअप्स आने के बाद, प्लेइंग इलेवन आने के बाद जो भी चेंजेज होंगे सारे चेंजेज आपको बताऊँगा विद स्टैट्स, भाई जो जो स्टैट्स जिस प्लेयर के रहेंगे वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ भाई आप जरूर से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको फाइनल टीम मिलेगी, साथ ही टॉस की अपडेट मिलेगी, दोनों टीम्स की प्लेइंग इलेवन मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए ज्वाइन करना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाके चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। और चलिए अब बात करते हैं यहां पर आगे वेन्यू के बारे में। तो आप देख सकते हो शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में ये मैच खेला जाएगा। और या अगर भाई बात करें आपकी पिच रिपोर्ट की तो न्यूट्रल विकेट है, यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प होने वाली है। और अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो आपको 80 से 100 के बीच में एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मोस्टली आपको ज़्यादातर मैचेज में इन्हीं के बीच में स्कोर देखने को मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी बता दूँ यहाँ पर बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी छोटी क्या भाई, शारजा का ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा छोटा है और भाई यहाँ पर बाउंड्रीज काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो ये चीज़ आप थोड़ी सी दिमाग में रख लेना। क्योंकि अगर एक बैट्समैन अच्छे से सेट हो जाता है तो वो अपनी टीम का स्कोर 120-130 के आसपास भी लेके जा सकता है। और यहाँ पर भाई स्पिनर्स को भी हेल्प मिल रही है, अब पहले भाई यहाँ पर सिर्फ मीडियम पेसर्स को हेल्प मिल रही थी, ठीक है, लेकिन अब भाई पिछले अगर दो या तीन मैचेज की बात करें तो यहाँ पर स्पिनर्स को भी काफ़ी अच्छी खासी हेल्प मिली है, तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान में रख लेना। यानी कि स्पिनर्स और जो फास्ट बॉलर से दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो बॉलर्स को भी आपको ट्राई करना है। बात करें अगर शारजा की टीम की तो यहाँ पर आप देख सकते हो शारजा ने यहाँ पर अभी तक 2 मैच खेल लिए और दोनों की दोनों मैच भाई अपने हार के आ रहे हैं। पहले मैच में बुरी तरह से आ रहे थे, शायद अबू धाबी के साथ इनका मैच था, दुबई के साथ इनका मैच था, तो भाई दुबई के साथ इन्होंने मतलब वो मैच आ रहा था और दूसरा मैच भाई फजरुल्ला के साथ इन्होंने आ रहा है, ठीक है। तो 2 मैच इन्होंने खेले, दोनों के दोनों मैच ही हार के आ रहे हैं। बात करें अगर इनके लास्ट मैच की प्लेइंग इलेवन प्लस परफॉर्मेंस की तो अंसर खान भाई ओपनिंग में आए थे, 0 रन बनाए, खालिद शाह ने 30 रन बनाए, जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भाई बात करें फयाज अहमद की तो 4 रन इन्होंने बनाए, हालांकि ये बॉलिंग करवा सकता है भाई, बट अभी तक इसने बॉलिंग करवाई नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। अदरवाइज भाई काफी अच्छा बॉलर है, बॉलिंग अगर करवाता है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है। बात करें अमजाद गुल की तो अमजाद गुल भी काफी अच्छा है, पर आपके लिए प्लेयर होने वाला है, लेकिन भाई इस मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई है। हसन खान की बात करें तो इन्होंने भी 4 रन बनाए, इसके अलावा भाई लक्ष्मण मांजरेकर की बात करें तो 1 रन इन्होंने बनाया। उमर अली यहाँ पर टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो रहा है, हालांकि इस मैच में थोड़ा नीचे बैटिंग करना है, अदरवाइज भाई नंबर 4 पर भी बैटिंग कर सकता है, नंबर 4-5 पर भी काफी ज्यादा बैटिंग इसने की हुई है। यहाँ पर भाई नंबर 7 पर बैटिंग करने आए, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा अगर ये ऊपर बैटिंग करेगा तो और भी अच्छा टीम के लिए। इन्होंने 6 रन बनाए प्लस 2 ओवर में 1 विकेट भी निकाले, ठीक है। इसके अलावा भाई बात करें शाम रमेश की तो 16 रन बनाए प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी में विकेटलेस रहा, तो ठीक ठाक प्लेयर होने वाला है, ना तो ज्यादा अच्छा बता सकते ना ही ज्यादा बुरा बता सकते, ठीक ठाक प्लेयर है, 2 ओवर कंप्लीट डाल रहा है, ग्रैंड लीग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ग्रैंड लीग में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप इसे एज ए प्लेयर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। काशिफ दाऊद की बात करें तो 32 रन बनाए, अब आप देखो 9 नंबर पर बैटिंग करने आया और भाई यहाँ पर 32 रन बनाए प्लस 2 ओवर कंप्लीट गेंदबाजी कर रहे, तो यहाँ से विकेट भी निकाल सकता है। इसके अलावा भाई अली अनवर और हजरत बिलाल दोनों ने भाई 2-2 ओवर डाले और 2-2 विकेट निकाले हैं, तो यहाँ से अगर बात करें तो चारों जो ये बॉलर है ये भाई चारों के चारों 2-2 ओवर डाल रहे हैं, साथ ही मतलब 2 बॉलर्स ने 2-2 विकेट भी निकाले। लेकिन भाई यहाँ से ऐसी बात नहीं, काशिफ दाऊद और श्याम रमेश अच्छे बॉलर नहीं है, ये भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, यानी
यानी कि देखो कोई T10 मैच का क्या रूल होता है आपको बताता हूँ। देखो T10 मैच में कोई भी जो गेंदबाज है जो दो ओवर कंप्लीट डाल रहा है वो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। हाँ आप ये कर सकते हो जो इन्फॉर्म है उनको स्मॉल लीग में ट्राई करो, जो थोड़ी सी मतलब आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं उन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कर लो, तो ऐसा आप कर सकते हो। बाकी भाई प्लेयर ये सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से अगर फिर भी अगर मैं आपको मेन जो टॉप पिक्स आपको बताऊँ तो आप यहाँ से देखो अंसर खान को ट्राई करें, खालिद शाह को ट्राई कर लेना। नीचे एक साइड अगर आओगे तो फिर आप यहाँ से भाई अमजाद गुल को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई और नीचे आओगे तो यहाँ से भाई उमर अली और यहाँ से भाई ये नीचे वाले दोनों बॉलर है, ठीक है, अली अनवर हजरत बिलाल, ये दोनों इनको आप मतलब स्मॉल लीग में ट्राई कर लेना। बाकी जो प्लेयर बचे इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और ग्रैंड लीग में सबसे बेस्ट CVC की बात करें तो यहाँ पर फैज अहमद काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, नंबर 3 पर बैटिंग कर रहा है तो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। साथ ही अगर ये परफॉर्मेंस देगा तो भाई फिर कॉन्फिडेंस आएगा और ये बॉलिंग भी करवाएगा, टीम का कैप्टन है, अपने आप को प्रमोट भी कर सकता है, तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान में रख लेना। इसके अलावा भाई बात करें ड्रीम इलेवन की टीम की, तो ड्रीम इलेवन की टीम भी भाई मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले भाई आपको बता दूँ कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की ग्रैंड लीग लगी हुई है, यहाँ पर आप वन कैप फॉर्मूला के साथ जाकर काफी अच्छी विनिंग कर सकते हो। कैप्टन आपको किसे बनाना है वो भी आपको बताऊंगा, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, छोटी से छोटी चीज आपके लिए बताने वाला हूं। लेकिन भाई उससे पहले मैं आपको बता दूं यहां से काफी का भाई यहाँ से भाई आपको बता दूँ जो एमिरेट्स ब्लू की टीम है इनकी भाई लास्ट मैच क्या परफॉर्मेंस रही भाई, अपना इन्होंने अपना एक ही मैच खेला और भाई विन करके आ रहे हैं, तो यहाँ पर इनके बॉलर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन भाई बात करेंगे सारी टीम की, मोहम्मद बूटा भाई विकेट कीपिंग करेगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ से भाई 12 रन इसने बनाया। इसके अलावा भाई बात करें यहाँ पर चंदन पोईल रिजवान की, तो कैप्टन है टीम का, 2 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा भाई यहाँ से बात करें फहद नवाज की, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 21 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा भाई अलीशान सरफू ने एक और गेंदबाजी की, हालांकि महंगे साबित हुए, साथ ही 17 रन भी बनाए। विष्णु सुकुमारन की बात करें तो 3 रन इन्होंने बनाए। नीचे की साइड अगर आप आओगे तो जवार फारिद भाई 22 रन बनाए प्लस एक ओवर गेंदबाजी में विकेटलेस रहा। मतीउल्ला खान की बात करें तो भाई इन्होंने एक ओवर डाला विकेटलेस रहा। इसके अलावा भाई आर्यन लकारा, देखो ये स्पिनर है लेकिन भाई काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाज है, एक ही ओवर डाला और 2 विकेट निकाल के लेके गया और काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाज है, ठीक है। हालांकि पूरे पूरे चांसेज है कि कंप्लीट 2 ओवर आपको डालता दिखेगा। इसके अलावा भाई बैटिंग से आप इससे कुछ ज्यादा उम्मीद मत करना क्योंकि ये प्योर बॉलर है, ठीक है, मतलब एक तो होता है ऑलराउंडर और एक होता है भाई प्योर बॉलर, तो ये प्योर बॉलर है, ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन भाई अगर आप इसे ट्राई कर रहे हो तो आप इसे ग्रैंड लीग में CVC ट्राई करना, स्मॉल लीग में आप इसे एज ए प्लेयर लेके जाना, क्योंकि स्मॉल लीग में CVC की अगर इसे ट्राई करेंगे तो काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा, या तो एक तरफा विन या एक तरफा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप रिस्क लेने वाले प्लेयर हो तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज भाई आप इसे मतलब एज ए नॉर्मल प्लेयर खिला सकते हो। राहुल भाटिया लास्ट मैच में 2 ओवर में 4 विकेट निकाल के लेके गया, काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाज है, ठीक है। इसके अलावा सबीर राव ने भी 2 ओवर डाले, हालांकि एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है लेकिन भाई विकेट इसे लास्ट मैच में मिला नहीं है, तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर ध्यान देके चलना। आप इसे ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्मॉल लीग में आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज भाई आप इसे ड्रॉप करके चलोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दानिश कुरैशी की बात करें तो 2 ओवर इन्होंने डाले, इन्होंने भाई 2 विकेट निकाले, तो ऐसे देखो 3 बॉलर ने यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी टीम ऑल आउट कर दी है, ठीक है, यानी कि 8 विकेट गिरे जो भाई 3 ही बॉलर ने यहाँ पर निकाले, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी बॉलिंग होने वाली है। और ऐसे राहुल भाटिया और आर्यन लकारा इन दोनों के ऊपर आपको खास ध्यान देना है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की, लेकिन उससे पहले भाई आपको याद दिला दूँ कि टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सच में आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से जरूर 100% ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको फाइनल टीम मिलेगी, यहां पर भाई आपको फाइनल अपडेट सारी चीजें कवर करके मैं दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है। अब बात करते हैं भाई डेमो टीम की, तो चलिए बात करते हैं ऐसे विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो ऐसे देखो खालिद शाह को आप ट्राई कर सकते हो, ओपनिंग में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद बूटा, दोनों भाई ओपनर प्लेयर, इनको आप ट्राई कर सकते हो। एफ अहमद को आप ड्रॉप करके चल सकते हो। यहां पर अगर बात करें एफ नवाज को, तो एफ नवाज को आप ट्राई कर लेना, दोनों मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है। साथ ही बात करें सी रिजवान जो टीम का कैप्टन है भाई, अपनी टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग करेगा, हालांकि लास्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई लेकिन भाई आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा यहां से बात करें अमजाद गुल की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, दोनों मैच में पूरी तरह से फ्लॉप रहा है लेकिन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, आप इसके साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रंजीत मानी अगर खेलता है तो यह भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, और अगर यह खेलता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। नीचे की साइड अगर आप आओगे तो यहां पर भाई अंसर खान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, अगर एक बार चल गया ना तो ये मान लो बिल्कुल बुरी तरह से
सामने वाली टीम को तोड़ने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान में रख लेना। यहाँ से अगर बात करें तो आर्यन लकारा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ओनली आप इसे एज ए बॉलर ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहोगे। इसके अलावा भाई काशिफ दाऊद लास्ट मैच में 32 रन + 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। उमर अली जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम के लिए होने वाला है, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ से राहुल भाटिया और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं राहुल भाटिया को ट्राई कर रहा हूँ, उमर अली को मैं ट्राई नहीं कर रहा। उमर अली को अगर आपको ट्राई करना है तो आप काशिफ दाऊद की जगह पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि काशिफ दाऊद की देखो विकेट इसे मिल नहीं रहे और भाई बैटिंग काफ़ी नीचे कर रहा है, 8 या 9 नंबर पर बैटिंग कर रहा है। तो मेरे हिसाब से उमर अली थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये भी दो ओवर डाल रहा है और यहाँ से काशिफ दाऊद भी 2 ओवर डाल रहा है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर आप किसके साथ जाना चाहो। यहाँ से भाई दानिश कुरैशी आपके लिए इंपॉर्टेंट बॉलर रहेगा, इसके अलावा मतीउल्ला को आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ से ए अनवर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहाँ से बात करें श्याम रमेश की तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक रहने वाला है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। शब्बीर राव भी 2 ओवर कंप्लीट डाल रहा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा भाई नीचे की साइड आओ तो हजरत बिलाल को मैं ट्राई कर रहा हूँ, जिसने 2 ओवर की गेंदबाजी की और 2 विकेट निकाल के लेके गया लास्ट मैच में। तो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए कुछ इस प्रकार की हमारी टीम होने वाली है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो देखो यहाँ से कैप्टन में बना रहा हूँ राहुल भाटिया को। राहुल भाटिया भी देखो बॉलिंग कर रहा है और यहाँ से भाई आर्यन लकारा दोनों बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है तो भाई आप यहाँ से राहुल भाटिया को मतलब कैप्टन बना दो और इसको आर्यन लकारा को वाइस कैप्टन बना दो। लेकिन भाई अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाहते हो ना तो ऐसे कैप्टन आप सीरीज वन को बना दो और वाइस कैप्टन आर्यन लकारा के साथ आप जा सकते हो। अभी के लिए भाई मेरे CVC यही रहने वाले हैं, बाकी जो फाइनल अपडेट है वो मैं आपको फाइनल टीम में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार टीम का प्रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से CVC आप अपने हिसाब से भी जा सकते हो। सेफ की बात करें तो यहाँ से मैंने दोनों मार्क कर दिए, लेकिन आप अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो सीरीज वन कैप्टन और आर्यन लकारा वाइस कैप्टन। यहाँ पर आप थोड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन को रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। वो उमर अली भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसके साथ भी आप जा सकते हो। साथ ही अंसर खान को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, मोहम्मद बूटा और कैशा ये तीनों के तीनों आपको ग्रैंड लीग में काफ़ी अच्छी विनिंग करवा सकते हैं एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन। तो आप इन्हें एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में लेके चल सकते हो। बाकी स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने आपको अभी दे ही रखे हैं। तो यही भाई हमारी फाइनल टीम होने वाली है। लेकिन भाई अगर मतलब कुछ भी चेंजमेंट मैं करता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन में करता हूँ या फिर टीम में करता हूँ तो उसकी अपडेट मैं आपको मैच से पहले टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।